तो फ्रेंड्स आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इस तरह की पफ स्लीव्स कैसे बनाते हैं। तो बहुत इजी मेथड में मैं आपको बताने जा रही हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखिए, ये हमने अस्तीन का कपड़ा चार फोल्ड में बिछा लिया, जिस तरह से आप नॉर्मल अस्तीन को चार फोल्ड में बिछाते हैं। बाकी आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर ना 11 इंच लंबाई चाहिए अस्तीन की, तो मैंने 11 इंच लंबाई ले ली है। आप जितनी चाहते हो, आपकी नाप जितनी भी हो, जितनी आप लेंथ रखना चाहते हो, आप अपने उस हिसाब से रख सकते हैं। फिर हमने एक 3 इंच नीचे निशान लगाया, यानी हमने 3 इंच नीचे अस्तीन को गिराया है। तो इस तरह हमने 3 इंच निशान नीचे लेके इस लाइन को भी ऐसे पूरा सीधा कर दिया है। अब हम इस पर अपना आर्मोल का निशान डालेंगे। तो मेरा आर्मोल जो हमने कट किया वो है 6.5 इंच, आपने जितना कट कर रखा हो आप उतना डाल लें। तो 6.5 इंच हमने इस तरह से जो 3 इंच नीचे गिराया उस पर निशान लगाया, ऊपर से हमने 2 इंच हल्का सीधा रख के इस तरह से गुलाई से मिला दिया है। जिस तरह से आप नॉर्मल स्लीव की गुलाई देते हैं उस तरह से आपको स्लीव की गुलाई दे लेनी। फिर उसके ऊपर से हमने यहाँ पर 6 इंच लिया है तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है। और फिर हमने नीचे जहाँ से हमने गिराया वहाँ से हमने 2.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से अपनी स्लीव्स को मिला दिया है। ठीक है, बस 2.5 इंच आपको पीछे लेना है, जो भी आपकी ये जो है नीचे की जो गुलाई है जहाँ से आपका, वहाँ से आप 2.5 इंच पीछे लेके ऊपर से इस तरह से गुलाई से मिला दें, जैसे कि आपको निशान दिख रहा है। बाकी फिर हमने ये बस नॉर्मल अस्तीन की तरह ही आप साइड की अपना फिटिंग ले लें जैसे आप नॉर्मल अस्तीन में लेते हैं, और इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर ली, बहुत ही इजी है। बस आपको थोड़ा सा पूरा वीडियो को देखना है, और जो है आप अच्छे से अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप डेफिनेटली इस अस्तीन को बना लेंगे। बस 2.5 इंच पीछे लेके ऊपर से ऐसे गोल निशान करके आपको कट कर लेना है। तो देखिए हमने कैसे इस निशान को, इस तरह की मेरी हमारी अस्तीन कट हुई। तो जैसे आपको दिख रहा है इस तरह से, अब हमने बीच में एक सेंटर का निशान ले लिया है। तो दिख रहा है आपको कि हमने बिल्कुल 20 सेंटर में कट लगा लिए हैं। तो इसी सेंटर से हमारी प्लेट जो होती है वो बदलेंगे। अब हमने यहाँ से जो है इस तरह से एक निशान लगा लिया, क्योंकि यहीं से हमें प्लेट डालनी है। जितना हमने 6 इंच ऊपर लिया था उतने पे ही हमने निशान डाले, और यहीं से अब हम प्लेट डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम प्लेट डालना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम इधर अपनी तरफ को प्लेट डालें, आपको नीचे की तरफ की प्लेट नहीं डालनी है, आपको ऊपर की तरफ प्लेट डालनी है। तो रहा है कि हम किस तरह से प्लेट डालें, और फिर जो हमारा ये कट आएगा यानी इसका जो सेंटर आएगा, जो हमने कट लगा रखा है पहले कटिंग में, वहाँ से आपको प्लेट का जो साइड है ना वो चेंज करना है। जैसे कि अभी हम ऊपर की तरफ को प्लेट डाल लें, अब जैसे ही हमारा ये कट आता है हम प्लेट जो हमारी सेंटर आ जाएगी उससे हमारी प्लेट ना बिल्कुल आमने सामने हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं अब हम ये जो प्लेट डाल रहे हैं ये प्लेट हमारी बिल्कुल उसके आमने सामने होनी चाहिए। तो अब इसका हम बिल्कुल अपोजिट यानी उस डायरेक्शन में डालेंगे, उसकी तरफ प्लेट डालेंगे। उधर से हमने ऊपर की तरफ डाली और इधर से प्लेट हम उसकी तरफ यानी नीचे की तरफ उस तरह से डाल रहे हैं। तो आपको दिख रहे होगा कि हमने डायरेक्शन को कैसे चेंज किया, ये डायरेक्शन ही इसका मेन पॉइंट है। अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो आपकी प्लेटें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपको सेंटर के कट से डायरेक्शन चेंज करनी है, जैसे कि मैंने डायरेक्शन चेंज की है। इसी तरह से आपको जहाँ तक कि आपने 6 इंच ऊपर ज़्यादा लिया था वहीं तक कि आपको प्लेट डाल लेनी है पूरी। तो देखिए हमने प्लेट ये कैसे हमारी गोल गोल सी प्लेट हो रही है, प्लेट जैसी है ना, जैसे आपको दिख रहे होंगे। तो हमने सेंटर से इसका डायरेक्शन चेंज किया है, तो हमारी प्लेट बिल्कुल अब रेडी है हमारे। इसलिए बस आप जैसे नॉर्मल अस्तीन को जो उसमें अटैच करते हैं वैसे आप अटैच करिए। अब हमने बीच का वही हमारा जो निशान था वही कुट का वही हमने ले लिया। अब इसी कुटके से हम, ये देखिए हमारा ब्लाउज़ है, इसमें हम अटैच करेंगे। तो बिल्कुल आप इसी बीच का जो निशान है आपका जहाँ से आपने डायरेक्शन चेंज की है उस जैसे आमने सामने जो प्लेट है हमारी। और हम बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसको स्टिच कर लेंगे। तो आपको हम ये भी करके दिखा रहे हैं कि देखिए हमने नॉर्मल स्लीव्स की तरह कैसे स्टिच किया। हमने बीच निशान पे रख के आधी साइड इस साइड पे हमने स्टिच कर लिया, फिर आधी साइड हमने उस साइड स्टिच कर लिया, इससे हमें आसानी हो जाती है थोड़ी। तो देखिए हमारी स्लीव्स हमने कैसे स्टिच किया। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर